हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है। ज्ञान हिंदी टिप्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप 2 से 3 मिनट के भीतर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा लैंडिंग पेज बना सकते हैं जिसके जरिए आप अपने एफिलिएट लिंक पे आने वाले विजिटर्स का ईमेल आईडी कलेक्ट कर पाएंगे और उन ईमेल आईडी के जरिए आप अपने क्लिकबैंक और सीपीए ऑफर को प्रमोट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। ये सारी प्रोसेस अभी हम स्टेप बाय स्टेप लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन में ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं सारी प्रोसेस। आप देख सकते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हमारे एफिलिएट पेज पे जो विजिटर आते हैं उनका ईमेल आईडी हम कैसे कलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर लिया है। इस वेबसाइट का नाम है quickpages.co। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस साइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड अ न्यू लैंडिंग पेज, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। हमारे सामने इस तरह से नया विंडो खुलेगा। आप देखेंगे हमारे सामने कई सारे टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं। अब इनमें से हमें एक टेम्पलेट चूज करना है जिसे यूज करके हम विजिटर्स का ईमेल आईडी कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ 2 बटन दिया है हर एक टेम्पलेट के नीचे। पहले पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट का प्रीव्यू आपको दिखेगा। दूसरे पे क्लिक करने से इस टेम्पलेट को हम एडिट करना स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये टेम्पलेट नजर आएगा। यहाँ पर अभी मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा और यहाँ सिलेक्ट थीम पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इस टेम्पलेट को एडिट करेंगे। हमें किस तरह से इसमें बैकग्राउंड डालना है, किस तरह से कंटेंट ऐड करना है, वो सारी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ सिलेक्ट थीम पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने इस तरह से विंडो खुलेगा। अब ये टेम्पलेट यहाँ ओपन हो गया है और इसे हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो टेम्पलेट एडिट करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए हम ये टेम्पलेट बना रहे हैं ताकि उसी के हिसाब से हम इसका बैकग्राउंड यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो चलिए अब हम क्लिकबैंक के साइट में चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने क्लिकबैंक ओपन कर लिया है। यहाँ मार्केट प्लेस मैंने ओपन कर लिया है और इसमें मैंने स्पिरिचुअलिटी कैटेगरी ओपन किया है। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो इस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ राइट क्लिक करके मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। इसका सेल्स पेज हम देखेंगे किस तरह से विजिटर्स को नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका सेल्स पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर काफी अच्छा और अट्रैक्टिव सेल्स पेज है। अभी सेल्स पेज का बैकग्राउंड आप देख लीजिए जिस तरह से है, ऐसा ही एक हमें इमेज सर्च करना है गूगल में और उसे हम अपने लैंडिंग पेज पे यूज करेंगे ताकि जो भी विजिटर हमारे लैंडिंग पेज पे आए उसे सेल्स पेज पे आने के बाद भी सेम वैसा ही इमेज उसके सामने नजर आए। तो चलिए google.com मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और आप देखेंगे यहाँ गूगल में मैंने न्यूमरोलॉजी सिलेक्ट किया है और यहाँ मैंने सर्च किया तो कुछ यहाँ ऑप्शंस आ गए हैं। अब इन ऑप्शंस में हमें एक इमेज सर्च करना है तो ये इमेज थोड़ा ठीक लग रहा है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ बहुत सारे इमेजेस नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोबारा से एक बार हम सेल्स पेज पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू और पर्पल कलर से ये सेल्स पेज डिजाइन किया गया है तो हम भी ब्लू और पर्पल कलर से डिजाइन किया हुआ इमेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल ये इमेज ज्यादा ठीक लग रहा है, मैं इसे ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद इसे मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अब हम आ जाएंगे दोबारा से अपने लैंडिंग पेज की वेबसाइट पे और यहाँ आप देखेंगे बैकग्राउंड इमेज आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करके हम इस फाइल को चूज कर लेंगे जो अभी हमने डाउनलोड किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो अभी ओशन का इमेज आपको दिख रहा है, अब इसे जैसे ही हम अप्लाई करेंगे इसका ये इमेज चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैंने फाइल अपलोड कर दिया है और नीचे आके हम यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करके देख लेते हैं किस तरह से इसका प्रीव्यू दिखेगा। तो मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया है, अभी हम देखते हैं इसका प्रीव्यू कैसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है इसका प्रीव्यू और यहाँ सेल्स पेज पे आ जाएंगे तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही दोनों नजर आ रहा है, तो ये काफी अट्रैक्टिव है। तो बैकग्राउंड का तो काम हमारा हो गया है, अब हमें यहाँ पर इसका टेक्स्ट जो है इसे चेंज करना है। तो दोबारा से हम सेल्स पेज पे आ जाते हैं।
इसमें जो सबसे पहला हेडिंग है इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो फर्स्ट लाइन है इस चीज को हम इस कंटेंट को यहाँ से हम चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यही वो कंटेंट है हेडलाइन का, इसे मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स में यहाँ डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है, इसे भी हम चेंज कर लेते हैं। दोबारा से हम आ जाएंगे सेल्स पेज पे, इसे यहाँ से मैं पूरा कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ से हम सिर्फ दो लाइन कॉपी करेंगे, इसे यहाँ कॉपी कर लेते हैं। दोबारा हम आ जाएंगे अपने इस वेबसाइट पे और यहाँ से डिस्क्रिप्शन इसका हम चेंज कर लेते हैं। तो चलिए, दो चीज मैंने चेंज कर दिया है, इसका एक हेडलाइन मैंने अपडेट कर दिया है और यहाँ डिस्क्रिप्शन मैंने चेंज कर दिया है। अब यहाँ आप देखेंगे साइन अप नाउ ऑप्शन दिख रहा है, ये वर्ड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हमें वर्ड इसे भी चेंज करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस कंटेंट को चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद अब यहाँ से हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं अब ये पेज किस तरह से नजर आएगा। तो यहाँ मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेज पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पर बैकग्राउंड आप देखेंगे इमेज आ गया है, अब यहाँ पर जो कंटेंट था ये बदली हो चुका है और उसके नीचे हमने डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर दिया है। साथ ही आप देखेंगे जो यहाँ पर साइन अप लिखा था अब यहाँ लिख के आ गया है गेट फ्री एस्ट्रो रीडिंग। तो यहाँ पर जैसे ही ईमेल आईडी एंटर करके कोई क्लिक करेगा वो डायरेक्टली हमारे सेल्स पेज पे आ जाएगा और यहाँ से उसका ईमेल आईडी हमें मिल जाएगा। तो उस ईमेल आईडी को यूज करके हम दोबारा से अपने इस विजिटर का फॉलोअप कर सकते हैं या तो फिर हम कोई नया ऑफर इस विजिटर को प्रमोट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जेन्युइन ईमेल आईडी कलेक्ट हो जाता है तो उसका बहुत ही अच्छा यूज किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबमिट बटन देख रहे हैं, आपको सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक विंडो खुलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नेम लिखा है, आपको यहाँ पर पेज का नाम देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML टाइटल है, आप इसे भी दे सकते हैं और यहाँ पर आपको अपने इस लैंडिंग पेज का URL डालना है। URL किस तरह का होना चाहिए, जैसा आपका सेल्स पेज है उसी तरह से आपका URL होना चाहिए। तो इस टेक्स्ट को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा और यहाँ कोई स्पेसिंग नहीं आना चाहिए तो यहाँ मैं डैश डाल दूंगा। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शनल लिखा है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको आपका एफिलिएट लिंक ऐड करना है ताकि विजिटर डायरेक्टली एफिलिएट पेज पे पहुंचे और आपके पास उसका ईमेल आईडी आ जाए। तो इस प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक यहाँ से हम प्रमोट कर लेते हैं। चलिए यहाँ प्रमोट पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जनरेट एजओपी पे क्लिक करके इसका एफिलिएट लिंक यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना क्लिकबैंक का एफिलिएट लिंक पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर अपने लैंडिंग पेज का यूआरएल हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। सेम इसी टेक्स्ट को कॉपी करके पेज नेम में एंटर कर देंगे, यहाँ स्पेस दे देंगे हम और इसी को कॉपी करके यहाँ HTML टाइटल में भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ क्रिएट पेज पे हमें क्लिक करना है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया है तो आप उसे रिवाइंड करके दोबारा से ये सारा स्टेप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर एक एक कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर दिया तो आपका लैंडिंग पेज प्रॉपर काम नहीं करेगा और आपको ईमेल आईडी कलेक्ट नहीं हो पाएगी। तो सारी चीजें ध्यान से देखिए और सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर एंटर करिए डिटेल, उसके बाद यहाँ क्रिएट पेज पे आपको क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पेज क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये पेज विजिटर को नजर आएगा और इसका यूआरएल भी हम वहां से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआरएल है, ये एक लिंक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से आपका लैंडिंग पेज बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही विजिटर अपना ईमेल आईडी एंटर करेगा, एंटर करने के बाद जैसे ही वो यहाँ क्लिक करता है वो डायरेक्टली आपके सेल्स पेज पे जाएगा और उसका ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। वो मैं आपको लाइव में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ईमेल आईडी मिलती है या नहीं। तो चलिए दोबारा से मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर इसे मैं रिफ्रेश कर दूंगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्प्रेशन एक आ गया है लेकिन कन्वर्जन यहाँ पर जीरो है। कन्वर्जन जीरो इसलिए है क्योंकि अभी तक इसमें कोई ईमेल आईडी एंटर नहीं हुई है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से हमारा लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं अपना एक ईमेल आईडी एंटर करता हूँ और एंटर करके मैं आपको लाइव में दिखा देता हूँ कि इसमें ईमेल आईडी हमारा रिसीव हो रहा है तो किस तरह से रिसीव होता है और कहाँ से हम उसे चेक कर सकते हैं।
अब देख सकते हैं मैंने एक ईमेल आईडी इसमें एंटर कर दिया है। अब इस टैब के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। आप देखेंगे जैसे ही मैंने उस टैब पे क्लिक किया मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपने एफिलिएट लिंक पे आ चुका हूँ। अब हमारे सामने सेल्स पेज ओपन हो चुका है। जो एफिलिएट लिंक हमने जनरेट किया था ये उस एफिलिएट लिंक पे पहुंचा दिया है इसने मुझे। अब मैं आपको लैंडिंग पेज के डैशबोर्ड में चल के दिखाता हूँ कि हमारा ईमेल आईडी वहां पर रिसीव हुआ या नहीं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर दोबारा आ गया हूँ। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर एक इम्प्रेशन है। अब यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे इम्प्रेशन यहाँ पर 3 हो चुका है और यहाँ पर यूनिक इम्प्रेशन 1 है, क्योंकि एक ही आईपी एड्रेस से 3 बार इम्प्रेशन मिला है इसलिए यूनिकनेस 1 है। लेकिन कन्वर्जन 1 आ चुका है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने अभी अपना ईमेल एड्रेस एंटर किया है। अब ये ईमेल एड्रेस हमें दिखेगा कहाँ से वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप यहाँ पर आपको दिख रहा है डाउनलोड करने के लिए। आप इसे डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। डाउनलोड पे क्लिक करते ही इस पे जैसे ही आप इसे एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से एक शीट आ जाएगा जहां पर पूरा डेटा नजर आएगा आपको। यहाँ पर वो ईमेल आईडी आ चुका है जो हमने एंटर किया था। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी विजिटर्स अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे आपको यहाँ कन्वर्जन कॉलम में उनका ईमेल आईडी नजर आएगा, और यहाँ से क्लिक करके एक्सेल फाइल के जरिए उनका ईमेल आईडी यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं और उन्हें पर्सनली अपना ऑफर प्रमोट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो आपने देखा कितने आसानी से आप इस वेबसाइट के जरिए लैंडिंग पेज बना सकते हैं और यहाँ से आप अपने विजिटर्स का ईमेल आईडी कलेक्ट कर सकते हो और उस ईमेल आईडी को फिर आप यूज करके अपना एफिलिएट का प्रमोशन कर सकते हैं, अपने सीपीए ऑफर को आप प्रमोट कर सकते हैं और काफी अच्छा कन्वर्जन आपको मिलेगा ईमेल से प्रमोशन करने में। आप लोगों के लिए काफी मेहनत करके हम ये वीडियोस बनाते हैं। इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है, हमारा पूरा दिन ऑलमोस्ट चले जाता है, कभी कभी 2 से 3 दिन हमारा लग जाता है वीडियो को रेडी करने में। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है एक 5 मिनट के वीडियो को तैयार करने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को यूजफुल लगी हो ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं और वहां पर नोटिफिकेशन में ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस तरह की जब भी मैं अगली वीडियो बना के लाऊं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सके और आप उस वीडियो को देखकर नए नए मेथड्स आप सीख सकें और आप अर्निंग कर सकें। तो आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।